हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू आईक्यू टैब। लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी का रिस्पांस देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जो जो चीज़ें हमने बेसिकली डिसाइड की थी कि हम टाइमिंग पे डिस्कशन करेंगे और किस तरीके के वीडियोस आप चाहते हैं, तो आप सभी ने काफ़ी अच्छे से उसको रिप्लाई किया है। एंड अब मैं इस चीज़ को फाइनलाइज़ कर देती हूँ। तो सबसे पहले टाइम की अगर हम बात करें, तो आप सभी ने जो है कुछ ने बोला है कि 6 बजे के राउंड का टाइम परफेक्ट है, किसी ने 7, किसी ने 8, किसी ने 9। तो इन अराउंड मैं मान के चल सकती हूँ कि मॉर्निंग का टाइमिंग जो है आप लोगों को सूटेबल है, बिकॉज मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स जो है उसके बाद कॉलेजेस अटेंड करते हैं, अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं, तो मॉर्निंग में वो कह सकते हैं फ्री हैं इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो तो बहुत ज़्यादा जल्दी आ गई थी, 5 बजे करीब, बट मैं कोशिश करूँगी कि पॉलिटी की वीडियो 6 बजे तक अपलोड हो जाए हर रोज़। और आप सभी इसको अच्छे से मतलब देखिए, कोई भी डाउट हो, जैसा कि पुरानी वीडियो में देखा, कल की वीडियो में कुछ लोगों के डाउट्स थे जिसको मैंने टाइम से रिप्लाई कर दिया है, सो दैट आप चीज़ों को उसी वक्त अगर समझ जाएंगे और डाउट आप पे क्लियर हो जाएंगे, तो आप भी अच्छे से भी फर्दर पढ़ पाएंगे ना। तो इस चीज़ का मैंने हमेशा ध्यान रखा है और आगे भी इस चीज़ पे हम काम करते रहेंगे कि टाइम टू टाइम आपके डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएं। एंड देन अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, तो बहुत से बच्चों ने कुछ का मानना है कि हिस्ट्री के भी स्टार्ट कर दो, लाइक स्पेक्ट्रम है एंड इकोनॉमिक्स का भी कुछ ना कुछ मटेरियल है, उसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए, लाइक एनवायरमेंट का कोई PMF के बारे में बता रहे थे। तो लाइक यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी अभी तक नहीं मिल पाई है मुझे कि किस तरीके से, मतलब बिकॉज हर एक बच्चा अपने अपना वीक सब्जेक्ट पे डिमांड कर रहा है। तो इसमें मैं ये कर सकती हूँ कि फ़िलहाल तो पॉलिटी पे फोकस करती हूँ कि पॉलिटी जल्दी से हो जाए, एंड देन स्विच करेंगे साथ साथ, मतलब हिस्ट्री की कुछ वीडियोस भी आ जाए, इकोनॉमिक्स की जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट वाली जो वीडियोस है वो अपलोड हो जाए, एंड देन एनवायरमेंट की सर के थ्रू कुछ वीडियोस आ जाएं। तो हम मिलके इस पे बेसिकली काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि मई से पहले, ठीक है, जैसे मई में आपका एग्ज़ाम है, तो उससे पहले मोस्ट ऑफ़ द जो स्टैटिक्स सब्जेक्ट है, लाइक आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इससे रिलेटेड जो भी आपकी इम्पॉर्टेंट बुक्स है, रिसोर्सेज है, उस पर वीडियोस चैनल पे आपको मिल जाए और आप उसको रिवाइज कर सकें अच्छे से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं और लास्ट वीडियो में आपने जो जो टॉपिक्स देखा था, आई एम श्योर आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम मूव करते हैं आज की डिस्कशन में। तो सबसे पहला आप यहाँ आपको देखने को मिलेगा टॉपिक, वो है स्टेजेस इन द इनैक्टमेंट, यानी कि बजट क्या होता है वो हमने देख लिया, बजट से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस थी वो हमने देख लिए, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज़ें आती है वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि जब प्रेजेंट बजट जो है पार्लियामेंट में आता है तो किन किन स्टेजेस के थ्रू वो पास ऑन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के 6 स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, पहली स्टेज की हम बात करते हैं, वो है प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। ठीक है, सेकंड स्टेज आपको देखने को मिलेगा वो है जनरल डिस्कशन। थर्ड स्टेज में आएगा आपका स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज। फोर्थ स्टेज में आपका आएगा वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। फिफ्थ स्टेज आपकी आएगी पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, एंड देन सिक्स स्टेज जो होगी वो होगी पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। ठीक है, तो ये 6 स्टेजेस जो है आज हम कोशिश करेंगे कि इन 6 स्टेजेस में से कुछ स्टेजेस हम आज की वीडियो में कंप्लीट कर लें, एंड देन जो बच जाएंगे उन्हें हम फर्दर वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये 6 स्टेजेस से हमारा बजट जो है पास ऑन होगा। तो एक एक करके हम 6 स्टेजेस को डिस्कस करते हैं।
तो पहला स्टेज आप देख सकते हैं वो है प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कन्वेंशनली बजट जो है प्रेजेंट किया जाता है टू द लोकसभा बाय द फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द फेब्रुअरी। बट सिंस 2017 द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट हैज़ बिन एडवांस टू 1 फेब्रुअरी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि इतना तो हमें क्लियर है कि जो बजट है वो प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में किसके द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर। बट हम जानते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजिडेंट को देते हैं, प्रेजिडेंट जो है फिर किस तरीके से दोनों हाउसेस में बजट को प्रेजेंट करते हैं। बट कन्वेंशनली यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है वो ये था कि हमेशा जो है लास्ट वर्किंग डे, ठीक है, यानी फेब्रुअरी में आप देख सकते हो कि जो लास्ट वर्किंग डे है उसमें बजट को प्रेजेंट करने की एक प्रथा जो थी चली आ रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखा गया कि 2017 में कि जो हम लास्ट वर्किंग डे को जो लेके आते हैं ना, इससे काफ़ी सारी कह सकते हैं कुछ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। प्रॉब्लम इन सेंस दैट कि अगर आप इतनी लेट बजट को लेके आओगे तो जब आप पास करवाओगे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, और जब टाइम निकल जाएगा तो आपके पास कह सकते हैं कि उतना ही हम जो है बेसिकली डिले होते जाएगा बजट को इनेक्ट करने में। ठीक है, तो बजट इनेक्ट होने में अगर लेट होगा तो ऐसे तो हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, बिकॉज नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से। ठीक है, अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तो गवर्नमेंट को बेसिकली अपनी स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ 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 ना कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वैसे टेम्प्ररी मैकेनिज्म देखने को मिलता है, वो होता है हमारा वोट एंड अकाउंट। ठीक है, वोट एंड अकाउंट जैसे कि हमने पिछली लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि अगर बिल जो हमारा बजट है उसको अगर पास होने में डिले हो रहा है और गवर्नमेंट को सख्त पैसों की ज़रूरत है अपनी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनके पास एक तरीका ये होता है वोट एंड अकाउंट का, जिसके थ्रू उन्हें एडवांस में कुछ पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, बट मेन चीज़ वही है कि अगर आपके पास अगर ऑप्शन है कि आप इस चीज़ इस सारे जो प्रोसेस है इनको अगर आप जल्दी से स्टार्ट कर सकते हो तो वो हम उस मेथड को बेसिकली हमें यूज़ करना चाहिए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा कि लास्ट वर्किंग डे की जगह हमें 1 फेब्रुअरी यानी जो पहला डेट होता है फेब्रुअरी का, वहाँ पे उस टाइम पे बेसिकली लाने के लिए बात की गई है। क्योंकि अगर 1 फेब्रुअरी को आएगा तो मान के चल सकते हैं कि जो अप्रोप्रिएशन बिल है उतना ही जल्दी पास हो जाएगा। अगर पास होते होते उसको थोड़ा सा डिले हुआ भी तो मैक्सिमम कब तक हो जाएगा, 31 मार्च को। अगर 31 मार्च को ये अप्रोप्रिएशन बिल पास होगी एक्ट बन के, फाइनली जो है गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली अगर सारा का सारा पैसा जो भी उन्होंने डिमांड फॉर ग्रांट रखी थी वो आ जाएगा, तो वो आराम से अपना 1 अप्रैल से यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है उस तक उनके पास पैसा हो जाएगा, तो आराम से वो उस फाइनेंशियल ईयर में अपना जो भी काम है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वोट एंड अकाउंट की ज़रूरत भी नहीं होगी, और वो जो एक्स्ट्रा वर्क लगता था कि पहले वोट एंड अकाउंट मांगो, उसके लिए अलग से वोटिंग करवाओ, एंड देन फाइनली जो भी आपका डिमांड है ग्रांट है वो उसके लिए आप अलग से वोटिंग करवाओ, तो उसमें बहुत ही टाइम भी लगता था और बहुत ही हैफजर्ड मैनर में चीज़ें होती थी। तो सिंपली अब आपने क्या करा, डेट्स जो है उनको चेंज कर दिया है, लास्ट वर्किंग डे की जगह आपने 1 फेब्रुअरी को चूज़ किया है गवर्नमेंट ने, कब से, 2017 से, जिसके थ्रू मान के चल सकते हैं कि 1 फेब्रुअरी से लेकर जो 31 मार्च तक का टाइम है, अगर इसके अंडर ही बिल पास हो जाता है, एक्ट बन जाता है, तो आराम से 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगी, गवर्नमेंट अपना जो भी स्कीम्स वगैरह है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि द बजट कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड टू द हाउस इन 2 or more पार्ट्स, एंड व्हेन सच प्रेजेंटेशन टेक प्लेस ईच पार्ट शैल बी डील्ड विद इट वर द बजट, फर्दर देयर शैल बी नो डिस्कशन ऑफ द बजट ऑन द डेट ऑन विच इट इज़ प्रेजेंटेड टू द हाउस। ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं यहाँ पे बोला गया है कि जो बजट है, ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं बजट बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, उसमें अलग अलग डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री है, टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री है, हेल्थ है, तो इन सभी मिनिस्ट्रीज़ का अपना अपना कुछ ना कुछ खर्चा होता है जो कि उसमें लिखा होता है, मतलब कह सकते हैं एस्टिमेटेड अमाउंट
या फिर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो खर्चा होने वाला है, उस सब के बारे में उस पूरे बजट में लिखा हुआ होता है। तो इसलिए इतने बड़े डॉक्यूमेंट को एक बार में रीड करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए बजट को कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में ब्रेक कर लिया जाता है। तो जैसे ही आप इतने बड़े डॉक्यूमेंट को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करोगे एंड देन उसको रीड करोगे, तो वो बहुत इजी हो जाता है उस पर डिस्कशन करना भी, एंड देन जब वोटिंग का टाइम आएगा तो वोट करना भी इजी हो जाता है। क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में हम चीज़ों को देखेंगे कि कितना मतलब सही है, कितना कहाँ पर कितना पैसा जा रहा है, वो उतना यूज़फुल भी है नहीं है, एंड देन उस पर जाके वोटिंग होगी तो वो चीज़ें अच्छे से इम्प्लीमेंट भी हो पाएंगी। ठीक है, तो इसलिए सिंपली क्या करना है, बजट को क्या करते हैं, प्रेजेंट जब करते हैं दो से ज़्यादा पार्ट्स में उसको ब्रेक कर लेते हैं और फिर उसको प्रेजेंट किया जाता है। और जब छोटे छोटे पार्ट्स में आप उसको ब्रेक करोगे तो उसको बजट का ही हिस्सा मानोगे। ठीक है, तो बजट का हिस्सा उसको माना जाता है। बट आपको ये देखने को मिलेगा, ये अभी फर्स्ट स्टेज चल रही है। तो फर्स्ट स्टेज में पहला क्या हो रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर आ रहा है, बजट को प्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट डे ऑफ द फरवरी में, एंड देन बजट को दो से ज़्यादा पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जा रहा है। बट इस स्टेज पे यानी जो फर्स्ट स्टेज है वहाँ पे नो डिस्कशन ऑफ द बजट। ठीक है, तो इसमें कोई भी डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में उसको दे दिया जाएगा लोगों पे, अभी बातचीत उस पर शुरू नहीं होगी। यानी हाउस के अंदर कोई भी डिस्कशन अभी उस बजट में नहीं हो रहा फर्स्ट स्टेज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं स्टेज वन के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो प्रेजेंट करती है बजट को विद स्पीच के साथ, यानी एक स्पीच यानी कह सकते हैं भाषण वो देती हैं जिसको हम बजट स्पीच कहते हैं। ठीक है, यानी स्टेज वन के अंदर ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और एट द एंड ऑफ द स्पीच इन द लोकसभा द बजट इज लेड बिफोर द राज्यसभा विच कैन ओनली डिस्कस इट एंड हैज़ नो पावर टू वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर आती हैं। ठीक है, उनका एक बजट स्पीच होता है, जैसे ही बजट स्पीच ख़त्म होता है लोकसभा में सिंपली वो बजट जो है पेश किया जाता है राज्यसभा के अंदर, और राज्यसभा के पास सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं पावर दी गई है उसको डिस्कस करने की। ठीक है, उस बजट को डिस्कस करने की पावर दी गई है, उस पर वो वोटिंग नहीं कर सकता। ये चीज़ ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी कल की वीडियो में, बट यहाँ पे आप एक बार फिर से इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ डिस्कस हो रहा है, यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है वोट करने की ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट। यानी वो सारी डिमांड्स जो बेसिकली मिनिस्ट्रीज ने रखी है कि हमें भाई इतना खर्चा चाहिए, तो उस चीज़ के ऊपर डिस्कस तो कर सकती हैं बट उस पर वोटिंग नहीं कर सकती। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो राज्यसभा है मेन, ये राज्यसभा के पास ज़्यादा कुछ पावर इसके थ्रू मिलती नहीं है। ठीक है, भले राज्यसभा के पास मेन पावर नहीं है जो कि हम कह सकते हैं लोकसभा के पास है, बट फिर भी हम कह सकते हैं कि एक चीज़ है जो राज्यसभा कर सकता है, वो है क्रिटिसिज्म। मतलब पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की हम बात कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म इस सेंस में कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम आप ला रहे हो उसका कितना बेनिफिट होने वाला है, वो स्कीम इम्पॉर्टेंट है भी नहीं, या फिर उसके लिए आप इतना पैसा दे रहे हो वो यूज़फुल भी है नहीं है, तो इस चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर सकती है। और जब भी किसी भी चीज़ के ऊपर क्रिटिसिज्म होगा या फिर एक कह सकते बातचीत होगी, तो वो कहीं ना कहीं जो है एक आम जनता जो हमारी जो लोग हैं उनके कानों तक भी बात पहुँचेगी। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि जो भी डिबेट्स वगैरह होती हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, तो लोकसभा का अपना चैनल है, राज्यसभा का भी चैनल है, तो वो लोग बेसिकली उसको सुनते हैं। और जब भी उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन होगा तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश की जनता है वो इस चीज़ को समझेगी और कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान में रखेगी किस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं राज्यसभा का रोल इस चीज़ में आता है कि उसका एक डिस्कशन कितना हेल्पफुल करता है लोगों के लिए, बट ऑन द बुक या फिर कह सकते हैं थ्योरेटिकली जो मेन पावर है यहाँ पे बजट में आपको देखने को मिलेगा लोकसभा के पास है, क्योंकि वो डिस्कशन भी कर सकती है और वोटिंग भी कर सकती है ग्रांट्स के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, बोला गया है कि द बजट डॉक्यूमेंट प्रेजेंट टू द पार्लियामेंट कंप्राइजिंग द फॉलोइंग, यानी जो भी बजट का डॉक्यूमेंट पार्लियामेंट में होता प्रेजेंट किया जाता है बेसिकली, तो उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है बजट स्पीच की। ठीक है, एंड देन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, डिमांड फॉर ग्रांट है, अप्रोप्रिएशन बिल,
फाइनेंशियल बिल एंड द स्टेटमेंट्स मैंडेटेड अंडर द FRBM एक्ट है। ठीक है, इसमें तीन चीज़ें हम देखेंगे, देन एक्सपेंडिचर बजट है, रिसिप्ट बजट है, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल है, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस इन द फाइनेंशियल बिल है, बजट एट अ ग्लैंस है एंड आउटकम बजट है। देन टोटल हम कह सकते हैं 12 चीज़ें हैं जो बजट के डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए एंड देन वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट की जाएंगी। तो सिंपली पहले हमने बजट स्पीच देख ही लिया है कि किस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर एक बजट स्पीच देती हैं, उसमें वो बताती हैं क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरीके से जो हमारा पिछले साल कितना खर्चा हुआ है, कहाँ से कितना रेवेन्यू आया है, आने वाले साल में किन किन चीज़ों पर खर्चा होने वाला है, कहाँ कहाँ से पैसा आने वाला है, तो सब चीज़ों पर डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जिसको हम कहते हैं कि जो बजट है, नॉर्मली हम बजट बोलते हैं बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड मेंशन किया हुआ है बजट के लिए ही, वो हमारा क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। कौन सा आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 112। ठीक है, तो आप श्योर आप इसको याद रखिएगा। देन डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की जो डिमांड्स है वो चीज़ें आपको टेबल में रखनी पड़ती हैं। अप्रोप्रिएशन बिल होता है, एग्जैक्टली अप्रोप्रिएशन बिल में क्या क्या चीज़ें होती है वो हम डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल बिल होता है, जैसे कि हमने देखा था मनी बिल या फाइनेंशियल बिल अगर होता है किसी पर्टिकुलर टैक्स को लगाने के लिए, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे पेश की जाती हैं। देन आपको जो मेन चीज़ यहाँ पे समझनी है, जो कि काफ़ी न्यू है आपके लिए, वो है स्टेटमेंट मैंडेटेड अंडर द FRBM एक्ट। ठीक है, तो ये FRBM एक्ट क्या है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि पार्लियामेंट ने बेसिकली FRBM एक्ट लेके आई थी कब, 2003 में। तो बेसिकली 2003 में ऐसा क्या हुआ कि उनको लाना पड़ा, तो काफ़ी टाइम से ये देखा जा रहा था कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसका एक्सपेंडिचर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू मतलब इतना जनरेट नहीं हो पा रहा बिकॉज टैक्सेस के थ्रू पैसा उतना आ नहीं रहा था, बट खर्चे बहुत ज़्यादा। कभी गवर्नमेंट लोन लेती, ठीक है, कभी लोन उठाती, कभी RBI से लेती, तो ये सारे एक्सपेंसेस बढ़ते चले जा रहे थे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट पेश किया जाए पार्लियामेंट में, ताकि वहाँ बैठे हुए जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, बाकी जो मेंबर्स हैं हाउस के, उनको पता चले कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है हर पर्टिकुलर ईयर में अपना कंट्रीब्यूट कर रही है इस एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए। तो एग्जैक्टली इसमें जो बोला गया था वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली इसको लाने का मेन एम यही था कि हमें इंश्योर करना है फिस्कल डिसिप्लिन को, यानी डिसिप्लिन रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, फिस्कल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नमेंट स्पेंड, यानी गवर्नमेंट किस तरीके से स्पेंड कर रही है उसके भी उससे रिलेटेड हमारे पास एक अकाउंटेबिलिटी हो, कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो कि हाँ हमने इतना पैसा खर्च किया है, कहाँ खर्च किया है, वो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, फिस्कल डिसिप्लिन होना चाहिए। फिस्कल डिसिप्लिन इन द सेंस कि ऐसा भी ना हो कि इतना ज़्यादा खर्चा हो जाए कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं फर्दर उस लोन को पे करने के लिए इतना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, फर्दर हम पे इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक बर्डन बनता चले जाएगा साल भर साल। ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए FRBM एक्ट को 2003 में लाया गया था। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ इंश्योर किया जा रहा था कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है, इसको बेसिकली हमें कम करना है, ठीक है, रिड्यूस करना है, इसकी बात की गई थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी आने वाले सालों के अंदर हमें अपना फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना है। ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस करना है, एंड साथ ही साथ ये भी बोला गया था कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है, ठीक है, जो रेवेन्यू से होने वाला डेफिसिट है उसको तो एलिमिनेट ही कर देना है हमें। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने की बात की गई है और रेवेन्यू डेफिसिट को एलिमिनेट करने की बात की गई है। ठीक है, और रेवेन्यू डेफिसिट में यहाँ पे देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो इतना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द टोटल रेवेन्यू। ठीक है, देन यहाँ पे हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। पहला कि जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट था हमारा, फिस्कल डेफिसिट टारगेट में आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट ने बेसिकली बोला गया था कि हम इसको लेके आएंगे 4.5% बाय 2025 से लेके 2026 में बोला गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि हम उस समय जो भी चल रहा होगा तो उसके हिसाब से 4.5% तक हम इसको
रिड्यूस कर दें, क्योंकि रिड्यूस करने की बात की गई थी और रेवेन्यू डेफिसिट को तो हम जानते हैं पूरा का पूरा एलिमिनेट करने की बात की गई है, ठीक है। देन यहाँ पे दूसरी टर्म आपको देखने को मिलेगी, वो है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। तो मीडियम टर्म फिस्कल स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बोला गया है कि गवर्नमेंट को यहाँ पर फॉर्मुलेट करना है, ठीक है। क्या चीज़ फॉर्मुलेट करना है, ठीक है, फॉर्मुलेट करने के साथ साथ इम्प्लीमेंट करना है मीडियम टर्म फिस्कल स्ट्रैटेजी, जिसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ ना कुछ अपने प्लान्स को लेके आएगी जो ये शो करेगा कि किस तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, इस तरह से इन 3 सालों के अंदर गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस कर रही है। तो वो बेसिकली वो प्लान्स बताने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नमेंट ने प्लान बताया कि हाँ, इस पर्टिकुलर स्कीम के अकॉर्डिंग जो है हम मान के चल रहे हैं कितना परसेंट हमारा जो है फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा, देन हम ये चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे हमारा ये कम हो जाएगा। तो आप देखते रहोगे जो परसेंटेज वाइज है वो फिस्कल डेफिसिट हर साल करते करते वो फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। तो वही स्टेप्स क्या है, वो प्लान क्या है, वही वो वहाँ पे आउटले करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, ठीक है। साथ ही साथ इस एक्ट में ये भी बोला गया था कि गवर्नमेंट को अपना एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट में भी बेसिकली काम करना है। तो हम देख सकते हैं कि जो एनुअल फिस्कल रिपोर्ट है, इसमें बेसिकली क्या करना है, गवर्नमेंट को प्रेजेंट करना है एनुअल फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, ठीक है, कहाँ पे, पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। और इस स्टेटमेंट में बेसिकली बताया जाएगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट का क्या क्या प्रोग्रेस रहा है उन टारगेट्स को अचीव करने में जो कहीं ना कहीं उन्होंने टारगेट सेट किए थे, ठीक है, कि किस तरीके से वो फिस्कल कंसोलिडेशन कर रहे हैं, ठीक है, 3 साल के अंदर किस तरीके से वो अपना फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस कर रहे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड वो कितना प्रोग्रेस कर पाए हैं। देखो, टारगेट उन्होंने डिस्कस कर लिए, अब प्रोग्रेस भी तो हमें देखनी पड़ेगी ना, हाँ, कि सच में इतना चीज़ें हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर सिर्फ ऑन पेपर ही इस चीज़ को बताया जा रहा है कि हम इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, बट ऑन द ग्राउंड वो चीज़ कितना प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें बेसिकली उन्हें मैंशन करनी पड़ेगी अपने एनुअल फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो एक पॉइंट है वो है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट के ऊपर। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट है, ये एक तरह का डिटेल्ड आउटलाइन है किस चीज़ का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स अजम्पशंस होती हैं जो कहीं ना कहीं हेल्प करता है बजट में जो भी एस्टिमेशन होती है कि हाँ भाई इतना इतना खर्चा बेसिकली आने वाले टाइम पे होगा। बिकॉज कहीं ना कहीं हम ये बात जानते हैं कि गवर्नमेंट को अपनी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास इनफ पैसा होना चाहिए, ठीक है, इतना पैसा जो रेवेन्यू के थ्रू उनके पास आ रहा है, तो इतना पैसा उनके पास होना चाहिए कि वो इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर पाएँ, ठीक है। तो कितना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग इनफ है उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो कहीं ना कहीं ये शो करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, लाइक आपका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर किस तरीके से आ रहा है, तो उसको किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस कर रहा है साथ ही साथ, ठीक है, वो इंडिकेटर्स वो भी हेल्प करते समझने के लिए कि किस तरीके से बजट को फ्रेम किया गया है, ठीक है। तो मेन यहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो अपना रेवेन्यू इतना स्ट्रॉन्ग रखें कि वो अपने एक्सपेंडिचर को अच्छे तरीके से कर पाएँ, और मेन एक्सपेंडिचर उनका किस साइड से होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतनी ज़्यादा हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू हम ज़्यादा जॉब्स जनरेट कर पाएंगे, ठीक है, ऐसे एसेट्स बना पाएंगे जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इन दी लॉन्ग रन हेल्प करेंगे उनकी इकॉनमी को और ज़्यादा डेवलप करने में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक्सपेंडिचर बजट, जो कि नाम से पता चल रहा है कि गवर्नमेंट जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, किस तरीके से डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को कितना खर्चा है, कितना एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होने वाला है, उसकी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती हैं। रिसिप्ट बजट यानी रेवेन्यू से रिलेटेड कि कहाँ कहाँ से कितना रेवेन्यू आने वाला है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती हैं। देन है आपका एक्सपेंडिचर प्रोफाइल। तो एक्सपेंडिचर प्रोफाइल हम बेसिकली कह सकते हैं एक कंपाइलेशन होती है इन्फॉर्मेशन के, जहाँ पे बेसिकली मेंशन होता है कि जितने भी हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, आपका डिपार्टमेंट्स है, वो किस तरीके से जो है काम करने वाली हैं, ठीक है। तो एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो कि ये बताएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ में जो है बेसिकली काम होने वाला है। जैसे कि आपको देखने को मिलता है कई बार जेंडर बजट होता है, ठीक है, वेलफेयर ऑफ वुमेन,
पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं, कुछ स्कीम्स होती है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर बेस्ड होती हैं, किस तरीके से वहाँ पे जो है रिसोर्सेज वहाँ पे एलोकेट किया जाएगा। तो यानी कि एक्सपेंडिचर प्रोफाइल यानी किन बेसिक मुद्दों पे, यानी कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग एरियाज रहेंगे जहाँ पे गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाली है, ठीक है। जैसे कि आजकल आपको देखने को मिलेगा आत्मनिर्भर भारत है, किस तरीके से हमारा जो इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, हमारा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है जो कि हमारा प्राइमरी सेक्टर है। टर्शरी सेक्टर भी अच्छे से ग्रो हो गया, बट जो सेकेंडरी सेक्टर है यानी बेसिकली हम कह सकते हैं वो जो है ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। तो किस तरीके से हम आज के टाइम पे गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत के थ्रू जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, बिकॉज एक बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छे से स्ट्रांग हो गया तो हम कह सकते हैं तो जॉब्स तो बढ़ेंगी, इंडिया का मेन जो है एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, ठीक है। कि अभी क्या है, इंडिया मोस्टली इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें वो इम्पोर्ट करती है, बट क्योंकि अगर हमने अपना एक्सपोर्ट यानी मार्केट में अपने जो गुड्स की वैल्यूज़ है वो अच्छे से बना के रख ली, तो कहीं ना कहीं फिर इंडिया भी जो है, जो इंडिया का टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, वो भी इंडिया पूरा कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें किस पर डिपेंड करते हैं, किस तरीके से एक्सपेंडिचर प्रोफाइल है हमारे बजट में गवर्नमेंट का रहता है, कि किन किन एरिया में मेजरली वो काम करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो है हमने बात की थी मेमोरेंडम के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि मान लो कि जो भी हमारा फाइनेंशियल बिल लाया जाता है, तो फाइनेंशियल बिल में मान लो कोई भी चेंजेस कर रहे हैं या फिर टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उन प्रोविजंस में अगर मान लो कोई भी ऐसा प्रोविज़न है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रिकी है, समझ नहीं आ पा रहा है बाकी मेम्बर्स को, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है आप उनको एक मेमोरेंडम अटैच करना है। वो मेमोरेंडम कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करेगा उन सारे प्रोविजंस को जो कि फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड है। तो सिंपली क्या करना है गवर्नमेंट को कि फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड जो भी वो प्रोविजंस ला रहे हैं उनको एक्सप्लेन करने के एक मेमोरेंडम भी वहाँ पे अटैच करेंगे, सो दैट वहाँ के बाकी जो मेंबर्स हैं लाइक लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स भी इन चीज़ों को समझ पाएँ। नेक्स्ट चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट की जाएगी बजट एट अ ग्लांस, मतलब एक शॉर्ट में क्या क्या चीज़ें बजट में वो बेसिकली एट अ ग्लांस उसको कर सकें, वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जाएगी, प्रेजेंट की जाएगी पार्लियामेंट में। एंड देन लास्ट जो है आपका आउटकम बजट है। तो आउटकम बजट बेसिकली बात करता है कि बजट जिस एरिया में काम करना चाहता है तो उसका मेन आउटकम क्या निकल के आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आउटकम रहता है। क्योंकि देखो बिकॉज जो भी स्कीम्स आप लेके आ रही हैं गवर्नमेंट, भले ही वो स्कीम्स वोटिंग को कहते हैं ना लोग लुभावन वाली चीज़ें होती हैं जैसे कि गवर्नमेंट करती है हमेशा, कि वोटिंग के चक्कर में कुछ ऐसे स्कीम्स मतलब अनाउंस कर दी थी कि हम इतना जो है घर प्रोवाइड करने वाले हैं, ये चीज़ फ्री में देने वाले हैं, ये चीज़ काम करने वाले हैं, तो उसका आउटकम क्या निकल के आ रहा है हमारी सोसाइटी में, वो पॉजिटिव है नहीं है, या फिर सिर्फ आप देखने को मिलेगा सिर्फ ऐसे एरियाज़ में जो है मतलब काम करके सिर्फ पैसे ही वेस्ट होने वाले हैं, कुछ फर्दर आउटकम नहीं निकलेगा, तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, ठीक है। तो आउटकम किस तरीके से इस बजट का निकल के आता है तो वो भी बेसिकली यहाँ पर मैंशन करना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी जो कि बजट के डॉक्यूमेंट के साथ इतनी सारी चीज़ें सोचो वहाँ पे प्रेजेंट की जाती है, तो थोड़ा सा टाइम तो आप देख सकते हैं कितना टाइम लगेगा इन चीज़ों को पढ़ने में, देन समझने में, देन फर्दर वो उसको समझने के बाद उस पर डिस्कशन होगा, देन जाके फिर कहीं ना कहीं पैसा उनको अलॉट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो स्टेज नंबर, अभी हम बेसिकली स्टेज नंबर 1 ही पढ़ रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, उसका एक लास्ट पॉइंट ये है जहाँ पे बोला गया है कि अर्लियर द इकोनॉमिक सर्वे आल्सो यूज्ड टू बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द बजट, नाउ इट इज़ प्रेजेंटेड 1 डे और अ फ्यू डेज बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, दिस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इंडिकेट द स्टेटस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो सिंपली क्या है, पहले क्या होता था कि इकोनॉमिक सर्वे को और आपका जो बजट है उनको सेम दिन में ही लाया जाता था पार्लियामेंट में, बट अब क्या होता है उससे एक दिन पहले जो इकोनॉमिक सर्वे को सबसे पहले ले आते हैं एंड देन फिर आपके बजट को लाया जाता है, ठीक है।
और जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको प्रिपेयर कौन करता है, ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्ट्री करे, बिकॉज वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पैसा खर्च हुआ है, किस किस चीज़ों में पैसा कितना लगा है, कैसे लगा है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास होती है, तो वही इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करती है। और ये कहीं ना कहीं आपकी नेशनल इकॉनमी का जो स्टेटस है वो बताता है कि इकॉनमी किस तरीके से मूव कर रही है, कितना कुछ अचीव कर लिया है, किस किस सेक्टर में कितना अच्छे से इंडिया ने परफॉर्म किया है, किस सेक्टर में अभी भी कुछ कुछ खामियाँ बाकी रह गई हैं, किस में किस तरह से काम किया जाएगा, किस पर्टिकुलर स्कीम से कितना फ़ायदा मिलने वाला है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू पता चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हम कह सकते हैं हमारा फाइनली स्टेज नंबर 1, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया है। तो इन शॉर्ट मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। तो स्टेज नंबर 1 में हमने क्या डिस्कस किया, पहला कि बजट जो है बेसिकली लास्ट वर्किंग डे की बजाय 1 फरवरी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बजट को डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा सो दैट ईजी हो जाए उसको रीड करना, एंड उस छोटे छोटे पार्ट को हम बजट ही कंसिडर करेंगे। और इस पे जो है फर्स्ट स्टेज के अंदर कोई भी डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट किया जाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बजट को। देन फाइनेंस मिनिस्टर जो है बेसिकली स्पीच देगा जिसको हम बजट स्पीच कहते हैं, और एट द एंड हम देख सकते हैं कि लोकसभा में वो बजट जाके राज्यसभा के पास चले जाएगा, और राज्यसभा सिर्फ उसको डिस्कस कर सकती है, कोई भी पावर नहीं है उनके पास वोटिंग करने के उन ग्रांट्स के ऊपर। देन हमने ये सारी 12 चीज़ें देख ली जो कि बजट डॉक्यूमेंट के साथ लगाई जाएंगी, एंड फाइनली कि किस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे जो है एक दिन पहले आएगा बजट के, और उसको कौन प्रिपेयर करेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो कहीं ना कहीं हमारे नेशनल इकोनॉमी का स्टेटस जो है बताएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखने को मिली। सेकेंड स्टेज जो है वो है हमारा जनरल डिस्कशन। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले बोला गया है कि द जनरल डिस्कशन ऑन द बजट बिगिंस अ फ्यू डेज आफ्टर इट प्रेजेंटेशन एंड इट टेक्स इन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यूजुअली 3 to 4 days बेसिकली लगते हैं। यानी यहाँ पे बोला गया है कि जब बजट को प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, स्टेज नंबर 1 क्या थी, बजट को प्रेजेंट करना, तो बजट को जब प्रेजेंट किया जाएगा देन उसके कुछ दिनों बाद हमारा जनरल डिस्कशन जो स्टार्ट हो जाएगा दोनों हाउसेज में, यानी लोकसभा में भी स्टार्ट होगा और राज्यसभा में भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये नॉर्मल क्या है, याद रखना डिस्कशन है सिर्फ यहाँ पे, और ये डिस्कशन जो है 3 से 4 दिन चलेगा। ठीक है, तो यानी बजट को प्रेजेंट किया गया उसके कुछ दिनों बाद जनरल डिस्कशन स्टार्ट हुआ, और ये डिस्कशन जो है 3 से 4 दिन चल रहा है लोकसभा में और राज्यसभा में। अब ड्यूरिंग दिस स्टेज, यानी जो स्टेज है, यानी सेकेंड नंबर की जो हमारी स्टेज है, इसमें देखने को मिलेगा कि द लोकसभा कैन डिस्कस द बजट एज अ होल और ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ अ प्रिंसिपल इन्वॉल्व देर इन, बट नो कट मोशन कैन बी मूव्ड नॉर कैन द बजट बी सबमिटेड टू द वोट ऑफ द हाउस, एंड द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ अ जनरल राइट टू रिप्लाई एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। तो सिंपली यहाँ पे बोला ये गया है, तो जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होगा इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर जो कि 3 से 4 दिन तक चलेगा। तो इस स्टेज में लोकसभा इस बजट को डिस्कस करेगी एज अ होल, यानी पूरा का पूरा बजट को डिस्कस करेगी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, वो पूरे बजट को डिस्कस करेगी और जो भी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है उस पर डिस्कशन किया जाएगा, बट कोई भी कट मोशन यहाँ पे नहीं लाया जाएगा। ठीक है, कट मोशन मतलब बेसिकली यहाँ होता है कि कट मोशन ला के आप चीज़ों को, जो भी पार्लियामेंट में चीज़ें चल रही होती हैं उसको ब्रेक करके आप किसी और टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने लग जाते हो। तो क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मैटर है, बजट के ऊपर चीज़ें लेके आ रहे हो उसको डिस्कस कर रहे हो, तो बीच में कोई भी कट मोशन ला के किसी और मैटर के ऊपर डिस्कशन उस समय नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बजट के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी वोटिंग नहीं होगी। ठीक है, बिकॉज वोटिंग वाला पार्ट हमारा अदर स्टेजेस के अंदर आएगा, सेकंड स्टेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन किया जाएगा। देन यहाँ पे हम देखेंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है लास्ट में जो एक अपना एक रिप्लाई करेगा, रिप्लाई को हम बेसिकली कह सकते हैं जनरल राइट है रिप्लाई करने का एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। ठीक है, तो नॉर्मली जैसे कि हमने देखा है कि इस पर्टिकुलर स्टेज में लोकसभा में भी डिस्कशन हो रहा है, राज्यसभा में भी डिस्कशन हो रहा है, दोनों जगह जब डिस्कशन हो रहा है तो हो सकता है कुछ कुछ चीज़ों पे सब लोग एग्री भी कर रहे होंगे, कुछ कुछ चीज़ों में वो खामियाँ निकाल रहे होंगे कि ये चीज़ ये सही नहीं है, इस तरह से नहीं आनी चाहिए, इतनी गवर्नमेंट ये क्यों लेके आई, तो इस तरह से डिबेट्स बेसिकली चलते रहेंगे। तो यहाँ पे जब डिस्कशन ख़त्म हो जाएगा, 3 से 4 दिन का जो भी डिस्कशन ख़त्म हो जाएगा, तो फाइनेंशियल मिनिस्टर की बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं कि वो यहाँ पे आके एक रिप्लाई करेंगे गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर, बिकॉज ऑब्वियसली इस चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ हो रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉलिसी को आप क्यों लेके आए, तो
ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फाइनेंस मिनिस्टर की, क्योंकि वो बजट पेश कर रहा है कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ में अपना पॉइंट रख सके कि हाँ किस बेसिस पे उन्होंने ये चीज़ डिसाइड करी है, क्यों वो लेके आ रहे, वो चीज़ कन्वे कर पाए लोकसभा में भी राज्यसभा में भी एक नॉर्मल जनरल रिप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो स्टेज नंबर 2 था वो भी हमने बेसिकली डिस्कस कर लिया। देन हम बात करते हैं स्टेज नंबर 3 जो कि है हमारा स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज़। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आफ्टर द जनरल डिस्कशन, यानी जब जनरल डिस्कशन ओवर हो जाएगा, ठीक है, तो हाउसेज जो है एडजर्न कर दिया जाएगा 3 से 4 हफ्तों के लिए। ठीक है, एडजर्न करने का मतलब है कोई पर्टिकुलर सेशन नहीं होगा, कोई फर्दर मीटिंग्स नहीं की जाएगी। ठीक है, इस दौरान यानी 3 से 4 हफ्तों के बीच में इस दौरान हम देखने को मिलेगा कि 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ है पार्लियामेंट की, वो इस पर्टिकुलर बजट को एग्जामिन करेगी और डिस्कस करेगी डिटेल में। ठीक है, कि क्या क्या बेसिकली डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं एक कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ के, और उसके बिहाफ पे एक रिपोर्ट बना के फिर 3 से 4 हफ्तों बाद पार्लियामेंट में पेश कर देगी। ठीक है, तो सिंपली क्या हुआ, स्टेज नंबर 1 पे आपने देखने को मिला बजट को प्रेजेंट किया गया, स्टेज नंबर 2 में उसी बजट पे डिस्कशन हुआ, डिस्कशन जैसे ही हुआ उसके बाद एक हाउस को एडजर्न कर दिया जा रहा है 3 से 4 हफ्तों के लिए, और उस 3 से 4 हफ्तों के बीच में आपकी जो 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज़ हैं वो डिपार्टमेंटल कमिटीज़ में आपको देखने को मिलेगा कुछ राज्यसभा के मेंबर्स भी होते हैं, कुछ लोकसभा के मेंबर्स भी होते हैं, वो दोनों मिलके क्लॉज बाय क्लॉज कह सकते हैं उन चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उस पर अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, देन वो पार्लियामेंट में पेश करते हैं, देन पार्लियामेंट में फिर उसको पढ़ के फर्दर फिर जो है चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो हम अभी देखेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ गए हो कि जो 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं वो इस चीज़ को एग्जामिन करेंगी और डिटेल्ड में एकदम डिस्कस करेंगी कि जो भी ग्रांट्स यहाँ पे मांगी जा रही है बजट के थ्रू वो सही है नहीं है, किस तरीके से वो होनी चाहिए, तो उस पर अपनी रिपोर्ट बना के दे देगी। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज़ की, तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कौन कौन सी होती हैं, बाकी हम डिटेल में जब हम पार्लियामेंट्री कमिटीज़ वाला टॉपिक पढ़ेंगे, आई थिंक इसकी नेक्स्ट ही है, पार्लियामेंट चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पे ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ में कुछ कमिटीज़ है जो अंडर राज्यसभा के अंडर होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कमेटी ऑन कॉमर्स है, ठीक है, कमेटी ऑन हाउस अफेयर्स हो गया, कमेटी ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया, कमेटी ऑन इंडस्ट्रीज़, कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट हो गया, देन आपका हो गया कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर, कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस। तो ये सारी कमेटी राज्यसभा के अंडर बनाई जाती है। देन कुछ कमेटीज़ हैं जो कि लोकसभा के अंडर हैं, जैसे कि कमेटी ऑन एग्रीकल्चर है, कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कमेटी ऑन डिफेंस हो गया, एनर्जी हो गया, एक्सटर्नल अफेयर हो गया, फाइनेंस हो गया, देन आपका फूड एंड कंज्यूमर अफेयर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कमेटी ऑन लेबर हो गया, कमेटी ऑन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस है, कमेटी ऑन रेलवे है, अर्बन डेवलपमेंट है, वाटर रिसोर्सेज के ऊपर है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर हो गया, कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट हो गया, कोल एंड स्टील हो गया, एंड लास्ट कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने सिर्फ आपको नाम बता दिए हैं, देन जब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ये है हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी का, तो वहाँ पे किस तरीके से डिपार्टमेंटल कमेटीज़ होती है, कैसे कैसे काम करती है, वो सब वहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि जो कमेटीज़ होती हैं दो तरह की होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है और दूसरी होती है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी जो होती है आपकी परमानेंट नेचर की होती है, ठीक है, एडहॉक कमेटी नॉन परमानेंट होती है, यानी किसी पर्टिकुलर काम के लिए उसे बनाया जाता है, जैसे वो काम पूरा हो जाता है तो उसको फिर बेसिकली एंड कर दिया जाता है। तो जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो बेसिकली 3 मेजर हेड्स में डिवाइडेड होती है, पहला फाइनेंशियल कमेटी है, सेकंड आपको देखने को मिलेगा डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी जो कि ये है 24, एंड आपका अदर स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जब अपनी रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट करते हैं दोनों ही हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में। ठीक है, क्योंकि बिकॉज लोकसभा भी इस चीज़ को डिस्कस कर रहा है, राज्यसभा भी डिस्कस कर रहा है, तो वहाँ पे दोनों के पास ये पर्टिकुलर रिपोर्ट चली जाती हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि स्टैंडिंग कमेटी सिस्टम जो है, इस तरीके का जो सिस्टम है वो पहले नहीं था, बट बाद में इसको इस्टेब्लिश किया गया। क्यों
इसको इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। आप भी सोच रहे होंगे कि 3 से 4 हफ्ते हम इनको दे रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज़ पे मतलब डिस्कस करने के लिए, बिकॉज क्योंकि देखो लोकसभा हो या राज्यसभा हो दोनों ही जगह जो वहाँ पे मेंबर्स बैठे हैं वो कह सकते हैं इतने नॉलेजेबल नहीं है, इतने एक्सपर्टीज नहीं है, बट कुछ ऐसे मेंबर ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल किसी को भी नॉलेज नहीं है। कुछ मेंबर्स हैं जिनको है, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो उतना चीज़ों को बेसिकली समझ नहीं पाते, तो इसलिए क्या होते हैं कमिटीज़ बनाई जाती हैं जहाँ पे कुछ एक्सपर्ट लोग बैठते हैं, ठीक है, जो उसको क्रॉस बाय क्रॉस समझते हैं, डिटेल में देखते हैं किस तरीके से काम हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एक्सपर्टीज़ जो है इस सब चीज़ों को देखें और फिर अपना फर्दर रिपोर्ट बना के प्रजेंट करें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि स्टैंडिंग कमेटी सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया था 1993 में, ठीक है, एंड उसको फर्दर के 2004 में एक्सपेंड कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं 1989 में आई थिंक 3 थी, देन 1993 में आपको जो है 17 स्टैंडिंग कमेटी दिखेंगी, एंड फर्दर 2004 में जाकर ही 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज हो गई थी, ठीक है। एंड इट मेक्स पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द मिनिस्ट्रीज मच मोर डिटेल क्लोज इन डेप्थ कॉम्प्रिहेंसिव। तो वही चीज़ है कि किस तरीके से वो क्लॉज बाय क्लॉज चीज़ों को देखती है, डिटेल में डिस्कशन करती है, इनडेप्थ जाती है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करती हैं, एंड फाइनली जो भी उनका रिसर्च वर्क होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, वो फाइनली वो दोनों हाउसेस के सामने प्रेजेंट कर देती है। सो आज के लिए हम इन 3 स्टेजेस को हमने जैसे डिस्कस कर लिया है। बाकी की जो 3 स्टेजेस हैं जैसे कि वोटिंग ऑन डिमांड ग्रांट्स जो कि 4th नंबर पे आता है, तो यहाँ पे बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी प्रोविजंस है सेटेड, देन हमारा पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड देन फाइनेंशियल बिल है किस तरीके से पास होता है, इनके क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, तो वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा हर एक चीज़। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है कोई किसी पर्टिकुलर चीज़ में कि आपको अच्छे से नहीं समझ में आया है, कुछ और क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द उनको रिप्लाई बैक करने की, ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके अगेन रिवाइज़ कीजिए, बिकॉज रिविजन इज़ द की टू द सक्सेस। अगर आपको सच में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो सिर्फ और सिर्फ रिविजन ही एक ऐसा टूल है जो आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय, टेक केयर।